और जयपुर के जगतपुरा में शिक्षक दिवस पर हरे कृष्ण मूवमेंट की ओर से टीचर्स फेस्ट 2024 का भव्य आयोजन अक्षय पात्र मंदिर में किया गया। इस अवसर पर सच पे धड़क के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा के साथ मैनेजिंग एडिटर दशरथ सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर विनायक शर्मा ने आयोजकों को एक सफल कार्यक्रम करवाने के लिए भी शुभकामनाएं दी। साथ ही महाभारत के वाक्य का जिक्र करते हुए कहा, जब अर्जुन के सामने अपने ही लोग खड़े थे तो उस समय इतने बड़े धनुधारी अर्जुन के सामने उदासी छा गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बनकर धनुधारी अर्जुन को रास्ता दिखाया, तब जाकर अर्जुन ने धनुष उठाकर उस समय विजय प्राप्त की। इस बात का सीधा सा अर्थ है कि आप भले ही कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। आज उन्हीं के पावन स्थान पर भव्य शिक्षक दिवस का आयोजन हो रहा है। यहां बैठे हर व्यक्ति सौभाग्यशाली जिन्होंने श्रीमद् भगवत ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए दिया। और किस समय पर दिया? हर व्यक्ति मनुष्य सोचता है कि आई एम परफेक्ट, आई एम एक्सपर्ट, मुझे क्या जरूरत गुरु की या शिक्षक की। अर्जुन भी धनुर्धारी थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, उन्हें विश्वास था अपनी विद्या पर। किंतु जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और सामने जब अपने ही परिजनों को देखा, तब क्या हुआ? प्रथम योग विषाद, उदासी छा गई, सारा टैलेंट धरा रह गया, सारी एक्सपर्टनेस चली गई, उदास हो गए अर्जुन। तब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बनकर अर्जुन को वहां पर उपदेश दिया। तब जाकर अर्जुन ने अपनी धनुन कला से उस युद्ध को जीता। तो हमारे जीवन में हम कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, हमें लगता है ये मनुष्य की आदत है, हम थोड़ा सीख लेते हैं तो हमारे मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि हमें आ गया, हम कर सकते हैं, वी आर एक्सपर्ट, वी डोंट नीड गुरु, हमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं। मनुष्य की बुद्धि की एक सीमा है, वह बुद्धि से विकास कर सकता है लेकिन केवल नश्वर विकास कर सकता है। मनुष्य के द्वारा जो भी डेवलपमेंट किया गया है, जो भी बनाया गया है, वह एक दिन बिगड़ जाएगा। तो शाश्वत विकास क्या है? द एटर्नल डेवलपमेंट क्या है? एटर्नल डेवलपमेंट है आत्मा का ज्ञान, स्वयं को पहचानना, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन।